Good morning, student. My name is Reena Sharma. और पहले आप लोगों को अर्चना मैम ने पढ़ाया था ना, आज से मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाया करूँगी, ठीक है? तो आप लोगों ने पहले कितने लेसन कंप्लीट किए हुए हैं? हाँ, 3 लेसन. आपके टोटल कितने लेसन कंप्लीट हो गए? 3 लेसन. तो 3 लेसन में आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ डाउट है तो आप मुझे पहले वो बता दो, तो हम लोग पहले वो करेंगे, उसके बाद फिर मैं नया लेसन स्टार्ट करूँगी. उससे पहले अगर नो ओके ठीक है, तो हम लोग आज नया लेसन स्टार्ट करेंगे. तो अगला लेसन नंबर 4. कौन सा लेसन नंबर 4? और लेसन का क्या नियम नाम है? सूर्य उदय का देश. सूर्य उदय, सबसे पहले तो यह समझना चाहिए कि सूर्य उदय क्या होता है. सूर्य उदय का देश, तो सूर्य उदय का अर्थ होता है कि जहाँ पर सबसे पहले सूरज का उदय होता है, मतलब सबसे पहले सूरज हमें उगता हुआ दिखता है. जैसे सुबह हमारे यहाँ सूर्य सामने आता है तो हम क्या बोलते हैं, घर में वगैरह क्या बोलते हैं, जल्दी उठो सूरज उग गया है, सूर्य सामने आ गया है. तो सूर्योदय का देश, ठीक है. अब ये बताओ मुझे कि भारत में कितने प्रकार, अनेकों, जैसे मान लो अनेकों प्रकार के संस्कृतियों के लोग रहते हैं, धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक है. तो भारत देश से बाहर दूसरे देशों में कौन कौन गए हैं? कोई घूमने जाते हैं ना, जैसे टूर मना छुट्टियों में पिकनिक मना रहे हैं या कहीं पर आउट ऑफ स्टेशन या आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, ठीक है. तो आप में से भी कई लोग बाहर गए होंगे, तो आप लोगों ने वहाँ का रहन सहन, अपना कल्चर उनका देखा होगा, ठीक है. तो आप लोगों को कुछ कई चीज़ें उनमें से बहुत अच्छी भी लगी होंगी, कुछ बुरी भी लगी होंगी. वैसे ही यह जो लेसन है वो कौन से है? जापान देश से, ठीक है. तो हम अपने देश के बारे में तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे देश में इतने धर्मों के लोग हैं, हमारे देश की वेशभूषा है, ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे रहन सहन रहता है लोगों का, ठीक है. लेकिन इसके बावजूद दूसरे देशों की संस्कृति कैसी है, उनका पहरावा कैसा, उनकी वेशभूषा कैसी है, यह सब भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि लोग कैसे रहते हैं, ठीक है. तो उससे ही ये थर्ड लेसन नंबर 4 डिफरेंट. लेसन नंबर 4, तो लेसन नंबर 4 के ऊपर सबसे पहले पेज नंबर, आप पहले पेज नंबर बताती हूँ मैं, कौन सा पेज निकालना है आपको. पेज नंबर 33, पेज नंबर 33 के ऊपर देखो, यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं, ओके. यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए, अब उन लोग चित्रों के बारे में यहाँ पे लाइन में कुछ लिखा गया है, उसको रीड कर दी. तो क्या है उसमें लिखा हुआ मैं बता दूँ. नीचे दिए गए चित्रों में से भारतीय लोगों को पहचान कर सही का निशान लगाएं. तो ये जो चित्र दिए हुए हैं ये हमारे भारत संस्कृति के लोगों के बारे में बताया गया है कि हमारे भारत में कौन कौन से लोग कैसा कैसा वेशभूषा पहनते हैं, उसको पहचान कर आपको सही का निशान लगाना है. तो पहले में जो ग्रीन साड़ी में लेडी दिख रही है, औरत दिख रही है, क्या वो हमारे भारत देश की संस्कृति है? हाँ, यस, ओके. तो इस पर लिखेगा सही का निशान, दूसरा नहीं, ठीक है, दूसरे पे रॉन्ग, तीसरा ये भी नहीं, ओके, इस पर भी रॉन्ग का निशान, फोर्थ ये तो होगा, हाँ यस, ये कुर्ता पजामा हमारे भारत देश में ऐसे पहरावा पहना जाता है, तो इसका मतलब ये सही है, तो इसमें सही का निशान लगाओ. फिर फिफ्थ वन, सलवार कमीज, सलवार कमीज भी पहनते हैं, जैसे अभी मैंने पहना हूँ सलवार कमीज, तो ये भी क्या है, सही आंसर. और ये वाला, ये हमारे भारत का नहीं है, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, गलत का निशान लगाएंगे. उसके आगे देखिए पेज का फेस सर करो, पेज नंबर 34 निकालो, दिख रहा है ना, पेज नंबर 34. पेज नंबर 34 के ऊपर हम जब कोई भी पार्ट पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले उनके जो पार्ट में बहुत डिफिकल्ट वर्ड शब्द रहते हैं, जिनका मतलब हमें समझ में नहीं आता, पहले सबसे पहले उन शब्दों के अर्थ यहाँ पर लिखे हुए होते हैं. तो पहले हमें वो पढ़ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि जब किताब में जो पाठ पढ़ते समय हमें जो शब्द आएगा तो उसका अर्थ हमें
पता होना चाहिए। तो पहला शब्दार्थ क्या है? तो पहला शब्द है, मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, सब अपने अपने हाथ जहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ ना वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है? ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जब तक शब्दों के बारे में, शब्दों के अर्थ के बारे में पता नहीं हो तब तक हमें पाठ समझ में नहीं आता है। इसलिए शब्दों के अर्थों को बराबर ध्यान से सुनना और पढ़ना चाहिए, ठीक है? तो पहला क्या है, मैं रीड करती हूँ, आप लोग पढ़ो। द्वार, पहला क्या है? द्वार, अभी देखो क्या लिखा है। द्वार, यहाँ नीचे हलंती गया हुआ है, आ और र, ठीक है? द्वार का मतलब होता है दो। दरवाजा क्या होता है? दरवाजा, ठीक है? तो दरवाजा, दूसरा है द्वीप, आइलैंड। द्वीप का मतलब होता है टापू, छोटे छोटे समुद्र में जो टापू होते हैं, द्वीप होते हैं, क्या कहते हैं? टापू या द्वीप। थर्ड है प्रभाव, जब कोई अच्छी चीज का हमारे मन पे कोई छाप बन जाती है, जैसे हम मान लो हम कहीं एक जगह पे घूमने गए हुए हैं, ठीक है? तो वहाँ पर हमें कोई एक ऐसी चीज अच्छी लगे कि जब भी हम कभी कुछ कर रहे हों तो वो ध्यान में आ जाए, तो मन कहता नहीं वो हाँ कितनी अच्छी जगह थी ना, वो कितनी अच्छी चीज थी ना, वो कितना अच्छा ड्रेस था ना। हाँ, तो वो जो चीज होती है वो हमारे मन पे क्या छोड़ देती है? छाप, प्रभाव। उसे क्या कहते हैं? प्रभाव। नेक्स्ट है शौकीन। शौकीन मतलब हर किसी की अपनी अपनी कुछ हॉबीज रहती हैं। कुछ ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं, कुछ गेम खेलने के शौकीन होते हैं, कुछ घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, ठीक है? सब लोगों की अपनी अपनी हॉबीज रहती हैं, उसे क्या कहते हैं? शौकीन, मतलब शौक रखने वाला। नेक्स्ट है प्रण। प्रण मतलब जब हम किसी काम को मन में ठान लेते हैं ना मुझे ये करना ही है, उसे क्या कहते हैं? प्रण, प्रतिज्ञा, ठीक है? सूर्योदय, सूर्योदय का अर्थ मैंने बताया था, सूरज का उगना। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट भूकंपरोधी। अभी क के ऊपर बिंदी लगी हुई है तो इसे पढ़ने के लिए आपको ये होगा कि क्या कौन सा शब्द है, कैसे पढ़ेंगे, तो इसको पहले लिखो भूकंप, उसको भूकंप को पहले अलग करो, भूकंपरोधी, ठीक है? भूकंपरोधी का अर्थ होता है भूकंप में सुरक्षित रहने वाली चीजें। तो इसका मतलब कि जब अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, सुनामी वगैरह आती हैं, तो इतने जोर से आते हैं कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो भी है उनके आगे यार सब बह जाता है, ठीक है? तो लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट कुछ ऐसी ऐसी चीजें बनाती हैं, करते हैं कि उनका कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई भी भूकंप आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए उन चीजों को क्या कहते हैं? वस्तु को क्या कहते हैं? भूकंप रोधी। इस्पात, इस्पात मतलब स्टील, ये या एक धातु है, स्टील धातु, ठीक है? स्वच्छ, स्वच्छ का तो सबको मालूम है, साफ। नेक्स्ट है सभ्य, सज्जन। सभ्य का मतलब हमारे जो अपमान हमारे घर पे कोई आया है, ठीक है? अगर हम लोग उसको ऐसे बिठा के सीधे चले जाते हैं और उनको पानी चाय नाश्ता कुछ भी नहीं पूछते हैं, तो वो जाके क्या बोलेंगे? उनको कुछ भी ये नहीं, सेंस नहीं है, कुछ भी ये नहीं कि घर में कोई आया है तो उनके सब कैसे बात करनी है। और दूसरी जाए देखा जाए कि अगर किसी के घर में कोई आया और एक बच्चा अच्छे से उसको ट्रीट करता है, हाँ जी बैठो, आए हैं, उनको चाय नाश्ता हम लोग पूछेंगे, तो वो लोग बोलेंगे कितने अच्छे समझदार बच्चे हैं, सभ्य बच्चे हैं, संस्कार वाले हैं। हाँ, तो उसको क्या कहते हैं? सभ्य। नेक्स्ट है परिश्रम। परिश्रम मतलब मेहनत करना, हार्ड वर्क करना, ठीक है? तो उसके आगे ये हो गया आपके शब्द, ठीक है? तो आओ पढ़े, यहाँ पिंक अक्षरों में, गुलाबी अक्षरों में लिखा गया आओ पढ़े, तो इसके आगे हम लोग पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। तो भी ध्यान से अपना अपना पेंसिल पे या बुक पे अपने हाथ में पेंसिल पकड़ो और ऐसे जो भी डिफिकल्ट वर्ड होगा मैं उसको अंडरलाइन करवाऊंगी, उसके नीचे लाइन लगाऊंगी, उसका अर्थ बताऊंगी और उसको ध्यान से आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि जब तक आप उनको ध्यान से पढ़ोगे नहीं तब तक आपको मात्राओं का पता नहीं चलता कि कौन से शब्द के साथ कैसी मात्रा लगी है, कौन सा वर्ण जुड़ा हुआ है, कैसे ये बना हुआ है शब्द। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको अपने आप जो सारे माइंड में ध्यान समझ आ जाएगा, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। दो बिंदु
रोहित और अरविंद एक कमरे में बैठकर पुस्तक पढ़ रहे हैं। द्वार खुलता है और तीसरा मित्र आदित्य भीतर आता है। अब दो मित्र बैठ के आपस में बात करते हैं, तभी डोर खुलता है और तीसरा मित्र अंदर आता है। आदित्य कुर्सी पर बैठते हुए अरविंद से, क्या तुमने कल टीवी पर कुछ परिक्रमा कार्यक्रम देखा था? विश्व परिक्रमा टीवी के ऊपर जैसे हमारे चैनल्स आते हैं, प्रोग्राम्स आते हैं, स्टार प्लस आते हैं, कलर्स आते हैं, बच्चों के कार्टून्स के आते हैं, शो दिखते हैं, ठीक है। वैसे ही टीवी पर एक और जैसे डिस्कवरी आता है, ठीक है। वैसे टीवी पर एक विश्व परिक्रमा वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है। लोग अलग अलग जगहों के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे ये घूमता है, वहाँ पे ये अच्छी जगह है, ठीक है। तो यह एक प्रोग्राम आता है, तो वो आपस में बात कर रहे हैं कि कल तुमने वो वाला प्रोग्राम देखा था। तो अरविंद, हाँ देखा था, उस कार्यक्रम में जापान देश के बारे में बताया गया। तो ये पिछले कल जो प्रोग्राम हुआ होगा वर्ल्ड टूर के बारे में, विश्व परिक्रमा वाले जो चैनल है उसके ऊपर जो बताया गया था, उसमें कौन से देश का बताया गया था? जापान देश के बारे में। रोहित, जापान देश हमारे भारत के पूर्व में पड़ता है ना, तो रोहित जो है वो इससे अरविंद से पूछता है कि जापान देश हमारे भारत के पूर्व में पड़ता है, मतलब हमारे भारत के ईस्ट में जापान आता है ना। आदित्य, हाँ, क्या तुम जानते हो रोहित, जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। जापान का नाम तो जापान है, लेकिन इसके अलावा जापान को दूसरा कौन सा नाम से जाना जाता है? सूर्योदय का। ऐसा क्यों हुआ, उसको क्यों बुलाते होंगे, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो रोहित खड़ा होते हुए, क्यों? आदित्य, जापान में सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है, इसलिए उसे सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। रोहित, अच्छा ठीक है। तो रोहित उसको अरविंद क्या बताता है कि जापान को सूर्योदय का देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि जापान में सबसे पहले सूर्य का उदय होता है। जापान में सबसे पहले सूर्य उगता है, सब लोगों को सबसे पहले जापान के लोगों को सूर्य दिखाई देता है, इसलिए उसे सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। इस प्रकार वो आपस में तीन फ्रेंड्स बैठ के बात कर रहे हैं। बात किसके बारे में कर रहे हैं? जापान देश के बारे में। और टीवी पर जो प्रोग्राम आता है उसके बारे में कि कल आपने देखा था, कि आप कौन से देश के बारे में बताया था, ठीक है। तो आज तक के लिए फर्स्ट सेशन के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, उसके बाद आप लोगों का पहला वर्क कल के लिए आपका होमवर्क है, इस दो लेसन को सबसे पहले मीनिंग्स अच्छे से रीड करना, उनके अर्थों को पढ़ना, ठीक है। बाद में फिर इस लेसन को पढ़ना, क्योंकि जितना बार हम लोग ज़्यादा रीडिंग करते हैं ना, उससे हमें जल्दी समझ आता है, ओके। अगर कुछ प्रॉब्लम है, इतने तक कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो मुझे बताओ, तो फिर मैं आपके सारे वो डॉट्स जो है ना वो बताती हूँ कि हाँ ये ऐसा नहीं, वो ऐसा रहेगा, ओके।